मैं आज आप लोगों के लिए एक ऐसा एयरपोर्ट का ऑप्शन लेके आया हूँ जो कि आप लोगों ने इससे पहले इस चैनल पर नहीं देखा होगा ये ऑप्शन एक ऐसा ऑप्शन है ये इस ऑप्शन को मैं इंडिया का बैगेज बैटल या इंडिया का स्टोरेज वॉर कह सकता हूँ अगर आप लोगों ने कभी हिस्ट्री चैनल देखा होगा तो वहाँ पे बैगेज बैटल और बैगेज बैटल और स्टोरेज वॉर्स आपने ज़रूर देखा होगा उसमें कितनी तरह की चीज़ें होती है दुनिया भर का सामान पड़ा रहता है उसके अंदर तो उसी तरह का एक ऑप्शन है जो एक बहुत ही कॉमन आदमी कोई शॉपकीपर कोई होलसेलर कोई अगर कस्टम शॉप खोलना चाहता है ना एक्चुअल में कोई अगर कस्टम शॉप खोलना चाहता था तो यहाँ से माल उठा के वो कस्टम्स का शॉप खोल सकता है नकली कॉपी माल नहीं बेचेगा वो जेनुअन ओरिजिनल माल बेचेगा मैं आप लोगों को आज एक ऐसे ऑप्शन के बारे में बताने वाला हूँ जिस ऑप्शन को आप लोग देखेंगे तो पक्का आपको मजा आने वाला है बहुत ही छोटी सी वीडियो होने वाली है एक एक, एक सिर्फ एक लॉट के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा ऐसे उसमें करीबन बहुत सारे लॉट है मैं आप लोगों को अभी दिखाता हूं तो बिना वेट करते हुए सीधा मैं आप लोगों को डिटेल पे लेके चलता हूं बताता हूं कि ये चीज़ है क्या और मेरे को कैसे इस बारे में पता लगा तो नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है दीपांकर और आप सभी देख रहे हैं मेरा चैनल ग्लोबल व्यापार जहाँ पे हम डिस्कस करते हैं इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में कस्टम क्लियर के बारे में तो बिना भी वेट करते हुए सीधा मैं आप लोगों को अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर लेकर चलता हूँ दिखाता हूँ क्या ऑप्शन है कब होने वाला है और इसमें क्या प्रोसीजर रहने वाली चीज़ें और इसमें क्या आइटम रहने वाली है तो दोस्तों ये देखिए ये जो ऑप्शन हो रहा है ये एक्सप्रेस एक्सप्रेस इंडस्ट्री काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा किया जा रहा है आई जी एयरपोर्ट पे ये ऑक्शन होने वाला है कोई प्रीपेड अमाउंट इसके लिए आपको जमा करने की जरूरत नहीं है इसका जो इंस्पेक्शन डेट है वो है आपके 18 दस 2021 यानी परसों मैं आज सोलह तारीख को वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो परसों इसका इंस्पेक्शन डेट होने वाला है बारह बजे से दोपहर के चार बजे तक इंस्पेक्शन चलने वाली है जो इसका एड्रेस है वो है आपका ई एक्सप्रेस टर्मिनल गेट नंबर वन ओल्ड ताज टर्मिनल आई का आई आई कार्गो कार्गो में इसका होने वाला है एक्सप्रेस ओल्ड टर्मिनल में इसका होने वाला है ऑप्शन तो मैं आप लोगों को आइटम दिखा देता हूँ देखिए आइटम आप लोगों को ना इस वाले जो इन्होंने पेज दे रखा है इसमें एक्चुअल में कुछ ज़्यादा तरी ज़्यादा इन लोगों ने लिखा हुआ नहीं है सबसे सब पहले वाले लॉट की तरफ दिखाता हूँ मैं आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रिकल मशीनरी पार्ट्स एंड एक्सेसरीज़ तो ठीक है इसमें उन्होंने फिर लॉट की डिटेल्स में क्या लिखी हुई इलेक्ट्रिकल मशीनरी पार्ट्स एंड एक्सेसरीज फॉर मोर डिटेल रिगार्डिंग लॉट चेक आ, इसकी इन्होंने एक डिटेल आ, लिस्ट बनाई हुई है जिसके अंदर डिटेल में उन्होंने लिखा हुआ है कि क्या क्या चीज़ है तो मैं बिना वेट करते हुए सीधा आप लोगों को उस लिस्ट की तरफ लेके चलता हूँ क्योंकि वो उस लिस्ट से ही आपको पता लगेगा कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं एक्चुअल में एक्चुअल में कितनी काम की चीज़ें हैं इस चीज़ में और कितने सारी क्वान्टिटी में है ये मैं आप लोगों को दिखाता हूँ तो देखिए ये पूरा का पूरा लिस्ट है इसमें लॉट्स uh, कितने हैं लॉट्स में आप लोगों को बताता हूँ देखिए टोटल आपके ट्वेंटी एट लॉट है ट्वेंटी एट लॉट में भी कई सारे सब लॉट्स हैं देखिए थर्टी सेवन जीरो फाइव थर्टी सेवन जीरो फ़ाइव तो बहुत सारे लॉट्स हैं इसके अंदर मैं आप लोगों को एक लॉट की तरफ लेके चलता हूँ मिसलेनियस आइटम सेल लॉट थर्टी सेवन जीरो फाइव बी ये मैं आप लोग को दिखाता हूँ इसमें क्या क्या चीज़ें है देखिए आप बस आइटम गिनते रहना और देखना कि ये दुकान आप इस यहाँ से एक लॉट खरीद कर अपना पूरा का पूरा दुकान डाल सकते हो कस्टम शॉप के नाम पर और जेनविनली आपने कस्टम से खरीदा हुआ माल होगा एक लॉट के बारे में बताऊँगा आप लोगों को और आप लोगों को अंदाजा हो जाएगा कि, कि किस तरीके की चीज़ें इस बार आई हुई हैं तो दो देखिए लॉट नंबर मैंने आप लोगों को बता दिया लॉट नंबर है मिसलेनियस सेल लॉट नंबर थर्टी सेवन डैश ज़ीरो फाइव डैश बी ठीक है Uh, पहला आइटम क्या है टू नंबर्स ऑफ ब्लैंकेट प्लस वन बेडशीट प्लस चार नंबर ऑफ़ शर्ट प्लस टू नंबर्स ऑफ ट्राउजर्स प्लस वन नंबर्स ऑफ़ जैकेट प्लस टू पेयर्स ऑफ स्लीपर्स प्लस टू नंबर्स ऑफ कैप्स ठीक है उसके बाद क्या है वन नंबर ऑफ़ ब्लैंकेट थ्री नंबर ऑफ़ टावल वन नंबर ऑफ़ लेडीज स्वेटर प्लस फोर नंबर्स रिचार्जेबल एल ई डी लैंटर्न वन नंबर इलेक्ट्रिकल आयन थ्री नंबर्स प्लास्टिक टॉय कार टू नंबर पेयर ऑफ लेडीज सैंडल लॉन्जरीज थ्री फाइव पेयर्स ऑफ सॉक्स फिर पोर्टेबल देखिए वन नंबर ऑफ ब्लूटूथ स्पीकर विथ एक्सेसरीज प्लस वन नंबर ऑफ लाइट प्लस वन नंबर ऑफ केक पैन प्लस वन नंबर ऑफ प्लास्टिक टॉय प्लस चार नंबर ऑफ पिलो कवर वन नंबर ब्लैंकेट प्लस टू पेयर ऑफ शूज प्लस टू पेयर ऑफ सैंडल स्लीपर टू जीरो पेंट रोलर ब्रश वन नंबर ऑफ ड्रिल मशीन वन नंबर ऑफ डस्ट पिकर टू नंबर्स ऑफ लैपटॉप बैग वन नंबर ऑफ़ फिटनेस इक्विपमेंट कितनी सारी चीज़ें आप देखो खाली एक लॉट खरीद लो आप इसमें से पूरी की पूरी दुकान डाल लो दो छोटे अब तक के लिए जो मैं जा, जो ज़्यादातर जनरली ऑप्शन होते थे उसमें मैं आप लोगों को बताता था कि बताता था कि इन ऑप्शन में पार्ट लेने के लिए बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए कंटेनर ऑप्शन वगैरह जो होते हैं या आपका स्क्रैप वगैरह का जो ऑप्शन होता है उसमें इन्वेस्टमेंट काफ़ी ज़्यादा चाहिए और एयर मैं हमेशा आप लोगों को बताता हूँ कि अगर आप जनरल छोटे मोटे बिजनेसमैन हैं या पर्सनल यूज़ के भी लेते हैं तो आपको जो ये एयरपोर्ट के ऑप्शन है ना इन चीज़ों पर आप लोगों को ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और मैंने आप लोगों को दिखाया भी था कि एयरपोर्ट ऑप्शन में कितनी आंटियाँ भी आती हैं देखने के लिए यंग यंग लड़के यंग यंग लड़कियाँ भी आती हैं वहाँ पर चीज़ों को देखने के लिए ऑप्शन में बोली लगाने के लिए और हमारे वीडियो बनाने के बाद तो मतलब बहुत ही ज़्यादा भीड़ होने लगी है वहाँ पे आजकल तो ये देखिए आप बस आइटम देखते जाओ यार इसी सेम ही इसी लॉट के मैं नीचे की तरफ आता हूँ थ्री नंबर्स ऑफ़ ब्लैकेट प्लस टू नंबर्स ऑफ कारपेट टू नंबर्स ऑफ ये ये दुनिया भर का वन नंबर ऑफ ओल्ड एंड यूज माइक्रोवेव ओवन प्लस, प्लस प्लास्टिक आइस ट्रे प्लस टिश्यू पेपर तो मिक्स आइटम्स उसके बाद देखिए मिक्सर ग्राइंडर इंक्लूडिंग थ्री नंबर्स ऑफ जार रिस्ट वॉचिस ऑफ असॉर्टेड टाइप्स हेयर बैंड क्लिप असॉर्टेड टाइप्स लॉन्जरी बैक पैक्स फोल्डिंग अम्ब्रेला लेडीज़ फुटवेयर अनस्टिच्ड फैब्रिक ऑफ एसोटेड डिज़ाइन लेडीज़ टॉप एसोटेड डिज़ाइन आप बस देख रही हो कितनी कितनी सारी चीज़ें ये एक लॉट का मैंने आप लोगों को बताया थर्टी सेवन जीरो फाइव बी का थर्टी सेवन जीरो फाइव सी में देखिए ये अलग चीज़ें हैं पूरा का पूरा लिस्ट है आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप यहाँ से डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड करके पूरा का पूरा लिस्ट डिटेल में देख सकते हैं और देख सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें आई हुई हैं और ये एक्चुअल में बहुत सारी काम की चीज़ें हैं ये एक्चुअल में वो चीज़ें हैं जो लोगों की एयरपोर्ट में खो जाती हैं जो लोग क्लेम नहीं करते हैं जो लोग कई बार एक्सेस सामान लेके आते हैं फिर उसमें कस्टम ड्यूटी नहीं भर पाते तो उसको छोड़ देते हैं कई बार कुछ चीज़ लोग वहाँ इम्पोर्ट कर लेते हैं तो वो सारी चीज़ें इस ऑप्शन में आई हुई हैं ये एक्चुअल में एक इंडियन स्टोरेज वार है इंडियन बैगेज बैटल है तो इस इस वीडियो में मैंने आप लोगों को बता दिया कि किस तरीके से अब कितनी काम की चीज़ें हैं कितनी पर्सनल यूज़ की चीज़ें दुकानदारों के लिए जो कस्टम शॉप वगैरह खोलना चाहते हैं उनके कितने काम की चीज़ है इस यहाँ से आप एक लॉट भी उठा लेंगे ना तो अपना पूरा का पूरा दुकान खोल लेंगे कस्टम शॉप के नाम से जो कि एक्चुअल में ओरिजिनल कस्टम शॉप होगी तो इस वीडियो में मैं आप लोग को बताना चाहता था कि एयरपोर्ट में आने वाला ऑप्शन क्या है और क्या कौन कौन सी आइटम आई हुई हैं तो इस वीडियो में अगर आप लोग अब तक बने हुए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल पर पहली बार ये तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए इसके अलावा मैं इसके ऊपर चैनल पर बहुत अच्छे अच्छे बिजनेस रिलेटेड वीडियोज़ आता रहता हूँ जो हमारे इंडस्ट्री के अराउंड इज ड्रॉप शिपिंग ई कॉमर्स इंपोर्ट एक्सपोर्ट इन चीजों के ऊपर भी हम वीडियो बनाते हैं संडे को पॉडकास्ट लाने की कोशिश करते हैं किसी एक स्पेशल बंदे के साथ और संडे को हमारा एक पॉडकास्ट आता है जिसमें कि हम एक एक्सपर्ट uh, को लेकर आते हैं और उनके फील्ड के बारे में उनके साथ डिस्कस करते हैं विच इज रिलेटेड टू फाइनेंस बिजनेस और हमारे इंडस्ट्री के होंगे तो और भी अच्छा है तो मिलते हैं किसी और वीडियो में ऑप्शन रिलेटेड या बिजनेस रिलेटेड तब तक के लिए नमस्ते